करनाल पुलिस ने झिंझाड़ी गांव में हुए गोलीकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 26 दिसंबर की शाम को गांव झिंझाड़ी में करियाना की दुकान पर काम कर रही गोल्डी, उसके पिता जय भगवान व चाचा धर्मवीर पर 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करके जान से मारने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिस संबंध में गोल्डी के पिता जय भगवान की शिकायत पर थाना सदर में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत टीमों का गठन कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। ASI प्रवीण कुमार ने अपनी कुशलता का परिचय देते हुए गोलीकांड के मुख्य साजिशकर्ता आरोपी नरेश निवासी अंजनथली व उसके अन्य साथी सुनील निवासी अंजनथली और शूटर राहुल व सोनू निवासी गांव मुंदनी को गुप्त सूचना के आधार पर कुरुक्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वर्ष 2019 में गोल्डी निवासी झिंझाड़ी द्वारा मुख्य साजिशकर्ता नरेश अंजनथली के साले विकास उर्फ पिंटू निवासी दादूपुर के संबंध में मुखबिर को सूचना देकर कृष्ण दादूपुर द्वारा उसकी हत्या करवाने में सहायता की गई थी। जिस रंजिश के चलते नरेश द्वारा अपने साले की हत्या का बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ मिलकर उपरोक्त घटना की साजिश रचकर उसे अंजाम दिया गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों के खिलाफ पहले ही भी आपराधिक धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं, जिनके संबंध में भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से वारदात के समय में प्रयोग की गई 32 बोर की एक अवैध देसी पिस्तौल भी बरामद की है। पुलिस आज सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करेगी। 26 दिसंबर 2019 को झिंझाड़ी गाँव में गोल्डी, जो ऑलरेडी एक 302 के केस में अरेस्ट हुआ था और पिछले 4 महीने से बेल पे था, उसके ऊपर और उसके साथ साथ उसकी शॉप है वहाँ किराने की, उसके फादर और उसके चाचा तीनों के ऊपर फायरिंग करके अटैक किया गया था 26 तारीख की शाम को। मोबाइल इमीडिएटली वहाँ जो है, जैसे ही सूचना मिली तुरंत पुलिस पहुँची, जो एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं तुरंत वो कलेक्ट किए गए। उन तीनों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया गया। उन 3 में से मैं कंडीशन बता दूँ उनकी, 2 तो बिल्कुल स्टेबल हैं, 1 अभी भी थोड़ा उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, तो 2 जो डॉक्टर से बात हुई वो स्टेबल हैं। तो जैसे जैसे जो एविडेंस कलेक्ट हुआ हमने टीम्स लगाई और तभी से इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे काफ़ी लीड्स मिली हैं, तो उसी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए कल 4 बजे कुरुक्षेत्र गुज्जर धर्मशाला के पास से इन चारों को अरेस्ट किया गया है। इसमें जो मास्टरमाइंड था वो नरेश अंजनथली था, जिसके भाई का मर्डर हुआ था, उसके साले का भी मर्डर हुआ था, जिसमें ये पिंटू, जिसमें गोल्डी ये भी उस केस में एक्यूज था। बबली अंजनथली के जो भाई है, जो बबली अंजनथली का सगा भाई है नरेश जी, जिसकी अभी आपने फ़ोटो भी ली है जी, तो ये इसमें मास्टरमाइंड था। इनके साथी जो 3 लड़के अरेस्ट किए हैं, जिसने फायरिंग की थी जो अभी फुटेज में भी आपने देखा है, उसका नाम है राहुल, ये मुंदड़ी गाँव का रहने वाला है, ये नरेश का पुराना जानकार है। इसके साथ साथ एक सोनू जो मुंदड़ी गांव का और नरेश वो भी अंजनथली गांव का, इन चारों को भी अरेस्ट किया गया है। 2 लड़के शॉप के अंदर आए थे जिन्होंने फायरिंग की, करीब 11 गोलियां जो है इन्होंने 2 वेपन के साथ उस दिन चलाई थी, 1 वेपन उसमें से रिकवर कर लिया गया है। दूसरा अभी पुलिस रिमांड के दौरान इनसे बाकी वेपन की रिकवरी की जाएगी और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको भी, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।